ओके तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। दोस्तों दोस्तों आप लोगों को जो स्टार्ट में प्रीव्यू दिखाया गया है दोस्तों आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, इन सभी खतरनाक स्टेट बनाने का जो हिम्मत मिलता है दोस्तों। आप लोगों ने स्टार्ट में जो प्रीव्यू देखा दोस्तों, तो ये सॉन्ग जो हमारे नीलकमल सिंह का जो होने वाला है दोस्तों, जो कि भक्ति सॉन्ग है दोस्तों, बहुत ही न्यू सॉन्ग अभी आया जो कि दो तीन दिन अभी हुआ दोस्तों अपलोड हुए दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों, मैं उसी सॉन्ग का जो फुल वीडियो लेकर आया दोस्तों, जो कि आप ऑलरेडी में प्रीव्यू में देख लिया है दोस्तों। इस तरह का स्टेट बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जो जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन दोस्तों। अलाइट मोशन आपके प्ले स्टोर में बहुत ही आसान से मिल जाता है दोस्तों, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद तो आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को तो ये जो वीडियो देख रहे हैं हमको दो लिंक मिल जाएगा, सोमित मार प्रोजेक्ट एंड सेफ हेड प्रोजेक्ट, उसका आपको इंपोर्ट कर लेना होगा अलाइट मोशन में दोस्तों। इंपोर्ट करने के बाद सिम से अपना लाइट मोशन को पेंट कर लेना होगा। लाइट मोशन को पेंट करने के लिए दोस्तों त्यास है दोस्तों कुछ इंटर करने पर शो हो जाता है दोस्तों। दोस्तों मिल आपको प्लस के बगल में आपको जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नवरात्रि स्पेशल सोमित मार्ग है, नवरात्रि स्पेशल सेक इफेक्ट दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको सोमित मार्ग सिम से आ जाना होगा दोस्तों। आने के बाद दोस्तों आपको जो देखो दोस्तों इसमें जो आपको सारे रेट वीडियो में देख के रखा हूँ दोस्तों, आपको मैं डिसेबल जो किया दोस्तों, इसको मैं इनेबल करके आपको दिखाया दोस्तों। इसमें वो कैसे फोटो को एड करना है दोस्तों, फिर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सेगमेंट कैसे यूज करके दोस्तों, फोटो कैसे एड करके दोस्तों इफेक्ट को जो लगाना है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक मैं स्किप करके देखना होगा, तभी इसमें वो फोटो जो है वो एड करके दोस्तों इस सेगमेंट लगा पाएंगे दोस्तों। बस इनका जो इनेबल किया दोस्तों इसको वो डिसेबल करके दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना हो दोस्तों। इसमें आपको जो लास्ट में बताऊँ दोस्तों कैसे फोटो एड करना है दोस्तों, सिंपल आपको यहाँ पे आ जाना दोस्तों, यहाँ पे आरसी के नेक पे आ जाना। आने के बाद उसमें आपको फोटो कैसे एड करना है दोस्तों, सिंपल आपको प्लस पे जाना है दोस्तों, मीडिया पर जाना है। मीडिया जाने के बाद दोस्तों जहाँ भी फोटो रखे दोस्तों उसका फोटो आपको सिलेक्ट कर दोस्तों, आपको कोई भी फोटो ले लेना होगा दोस्तों। कुल लेने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है, फिर कम से पे क्लिक करके दोस्तों पे क्लिक करके साइज को एडजस्ट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों को सिर्फ दूसरा फोटो लेने के लिए प्लस पे जाकर दोस्तों मीडिया पर जाना है, अरे दूसरा फोटो लेकर दोस्तों थ्री डॉट पे जाना है दोस्तों, फिर कम से पे क्लिक करके दोस्तों थ्री पे क्लिक करके साइज को एडजस्ट कर लेना होगा। और इसके बाद दोस्तों ऐसे कुछ सारे रेड वीडियो साइज फोटो अटैच कर लेना होगा दोस्तों लास्ट तक। तो दोस्तों मैं सारे रेड वीडियो साइज फोटो अटैच करें दोस्तों कर लेता हूँ दोस्तों, आप भी जो सारे रेड वीडियो साइज फोटो अटैच कर लीजिए दोस्तों, लेट्स गो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो मैं सारे रेड वीडियो साइज भी फोटो अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सेगमेंट को यूज करना है दोस्तों, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बिना स्किप करके देखना होगा, तभी जो इसमें सेगमेंट यूज कर पाएंगे दोस्तों। अपने बैक आ जाना होगा दोस्तों, बैक आने के बाद अपने सेगमेंट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सेगमेंट पे आने के बाद आपको जो कलर दिख रहा है दोस्तों, इसको मैं पहले आपको डिसोल्व करके दिखा देता हूँ दोस्तों। डिसोल्व करके रहने दोस्तों, एंड आपको दोस्तों दूसरा फोटो पे क्लिक, आपको जो दूसरा फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों, फिर जाना रुपया उसको कॉपी फेट कर दोस्तों, एंड आपको बाइक आ जाना होगा। बाइक आने पर अपने सोमित मार्ग पे आपको फिर से आ जाना होगा दोस्तों। सोमित मार्ग पे आने के बाद दोस्तों आपको आ जाना होगा दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करके आठ सेकेंड एक पे दोस्तों, आठ सेकेंड एक पे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएगा दोस्तों, मैं फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट करना होगा दोस्तों, एंड आपको दूसरा फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट, इसको भी पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना होगा 13:18 पे दोस्तों, तो मैं 13:18 पे आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आएगा दोस्तों, फोटो पे क्लिक करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। पेस्ट करने बाद दोस्तों आपको आ जाना होगा 26:13 पे दोस्तों, तो मैं 26:13 पे जो स्क्रॉल करके कुछ ऐसा से कर लेता हूँ दोस्तों। करने बाद स्क्रॉल करके ऊपर आकर दोस्तों फोटो पे क्लिक करके हमें भी पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने बाद दोस्तों से फिर से बैक कर लेना होगा। बाइक करने के बाद अपने फिर से सेगमेंट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सेगमेंट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको तीसरे फोटो पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। तीसरे फोटो पे क्लिक करने बाद आपको फिर भी जाना है, थोड़ी रुपया दोस्तों उसको कॉपी फिट करके एंड बाइक आ जाना होगा, एंड अपने सोमित मार्ग को फिर से आ जाना होगा दोस्तों। सोमित मार्ग पे आने के बाद दोस्तों आपको 10:13 पे आ जाना होगा दोस्तों, मैं 10:13 पे आ जाता हूँ। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आकर दोस्तों फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट कर लेना होगा दोस्तों। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको कहाँ तक जो है आपको इस फोटो को यूज करना है दोस्तों, आपको 13:13 जो चार दिखा दोस्तों, यहाँ तक आपको जो है आपको इस फोटो आपको यूज कर लेना होगा। इस फोटो को यूज करने के बाद उसमें से बैक आकर दोस्तों फिर से सेगमेंट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों, एंड आपको दोस्तों चौथे फोटो पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों। चौथे फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको फिर जाना है, फिर जाकर दोस्तों उसको कॉपी फिट करके दोस्तों, एंड आपको बाइक आकर मैंने सौ मिनट मार पे आपको आ जाना होगा। आने के बाद आपको 14:13 पे आ जाना होगा दोस्तों, तो मैं 14:13 पे कुछ इससे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ दोस्तों। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएगा दोस्तों, एंड आपको जो तीन फोटो जो दिखा दोस्तों छोटा छोटा, इन तीनों फोटो आपको पेस्ट करना होगा दोस्तों। इस फोटो को पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके आपको आगे कर लेना होगा दोस्तों, तो मैं आगे कुछ इससे कर लेता हूँ दोस्तों। चार सौ में चौथा फोटो लेना दोस्तों, आपको आ जाना दोस्तों यहाँ पे 20 सेकेंड एक पे 20 सेकेंड सॉरी 20 सेकेंड एक पे आ जाना होगा दोस्तों, मैं 20 सेकेंड एक पे आ जाता हूँ।
आने के बाद उसको स्क्रॉल करके ऊपर आकर दोस्तों फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट करना दोस्तों। एंड आपको दोस्तों इसको कहाँ तक यूज करना है दोस्तों, 21 सेकेंड 13 तक जो आपको इस फोटो को यूज करना है। यूज करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना होगा 27 सेकेंड 7 पे दोस्तों। आने के बाद आपको जो दोनों फोटो दिख रहे हैं छोटे छोटे, तीन दोनों फोटो पे आपको पेस्ट करके दोस्तों बाइक आ जाना होगा। एंड अपने फिर सेगमेंट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सेगमेंट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको 5 वाले फोटो पे क्लिक करना है दोस्तों, और आपको इफेक्ट जाना है दोस्तों, इसको कॉपी फिट करके बाइक कर लेना होगा। अपने सॉफ्टवेयर पर आपको फिर से आ जाना होगा दोस्तों। सॉफ्टवेयर पर पेन के बाद दोस्तों आपको 15 सेकेंड 9 पे आ जाना होगा दोस्तों। 15 सेकेंड 9 पे आ जाता हूँ कुछ इधर से 15 सेकेंड 9 पे दोस्तों। 15 सेकेंड 9 पे आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आकर फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको कहाँ तक जो इस फोटो को यूज करना है दोस्तों, 19 सेकेंड 15 तक जो आपको इस फोटो को यूज करना होगा। तो मैं सिंपल से आपको फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ तक जो आपको लगाने के बाद बैक आ जाना होगा। एंड अपने सेगमेंट पर फिर से आकर दोस्तों हमारा बच्चा जो लास्ट फिर दोस्तों, तो लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करके फिर जाएगा दोस्तों, उसको कॉपी फिट करके बाइक कर लेना होगा दोस्तों। बाइक करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर मार्क पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सॉफ्टवेयर पेन के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके आपको कुछ इससे आगे कर लेना होगा दोस्तों। 21 सेकेंड 9 पे दोस्तों, 21 सेकेंड 19 पे दोस्तों, तो मैं 21 सेकेंड 19 पे आ जाता हूँ दोस्तों। कुछ इससे 21 सेकेंड 19 पे आपको आ जाना होगा। आने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आकर दोस्तों आने आपको फोटो पे क्लिक करके हमें पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रिक जो है नहीं दे पाए दोस्तों, आपको जो मैं जरूर से दे दूंगा दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिक जो इसमें रहेगा तो दोस्तों आपको इसको कहाँ तक यूज करना है दोस्तों, 26 सेकेंड 1 पे तक जो आपको इस फोटो को यूज करना है दोस्तों। करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो है पेस्ट सॉफ्टवेयर में यहाँ से बैक करके दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो आपको लगाना है दोस्तों, लगाने के बाद आपको सिंपल से स्टार्टिंग में आ जाना होगा दोस्तों। स्टार्टिंग में आने के बाद उससे आपको कैसे यूज करना है दोस्तों फोटो को, एंड सेगमेंट कैसे लगाना है दोस्तों, सिंपल से आपको बाइक आ जाना होगा दोस्तों। बाइक आने के बाद अपने सेगमेंट पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। सेगमेंट पे आने के बाद दोस्तों आपको जो इमेज लिखा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसे आपको तीर के बगल में आपको जो एल ऑप्शन दिखा है उस पर क्लिक करो दोस्तों, आपको कॉपी लेयर कर लेना होगा। कॉपी लेयर करने के बाद बाइक आकर दोस्तों एंड अपने सॉफ्टवेयर पर आपको फिर से आ जाना होगा दोस्तों। सॉफ्टवेयर पर पेन के बाद दोस्तों आपको तीर के बगल में आपको जो दोस्तों ये वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट क्लियर कर लेना होगा। पेस्ट क्लियर करने के बाद उसमें से कुछ इनेबल करके दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके दोस्तों आपको तीर के बगल में इसको कॉपी फिर से करके दोस्तों एंड आपको तीर पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ भी आपको पेस्ट कर लेना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको कहाँ तक जो है आपको इस फोटो को पेस्ट करना दोस्तों, यहाँ पे आपको आ जाना होगा दोस्तों। स्क्रॉल करके यहाँ तक दोस्तों 7 सेकेंड 11 तक आपको इसको लगा लेना होगा। लगाने के बाद उसमें आपको कौन सा साइज का जो फोटो ऐड करना है दोस्तों, तो सिंपल से आपको बाइक आ जाना होगा। बाइक आने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको प्लस पे जाना है दोस्तों। प्लस पे जाने के बाद आपको 4x5 का जो साइज सेलेक्ट करो दोस्तों, एंड आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद आपको सिंपल से प्लस पे जाना दोस्तों, मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको कोई भी फोटो लेकर दोस्तों एंड आपको थ्रीडोर पर जाएगा, फिल कमीशन पर क्लिक करो दोस्तों। एंड बाइक आकर दोस्तों सेटिंग के बगल में आपको जो एरो दिखा उस पर क्लिक कर दोस्तों, करंट फ्रेम सिर्फ PNG पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको टोटल जो है 12 फोटो को एक्सपोर्ट इस साइज का जो कर लेना होगा। करने के बाद उसको जो है सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद उसमें सिंपल से बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद उसको जो प्रोजेक्ट को आपको डिलीट कर लेना होगा। कुछ जैसे डिलीट करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर मार्क को आ जाना होगा दोस्तों। सॉफ्टवेयर मार्क पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है दोस्तों इमेज, तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों एडिटर ग्रुप पर चले जाना होगा दोस्तों। जाने के बाद दोस्तों इसमें आपको जो कैसे फोटो कैट करना है दोस्तों, आपको जो इमेज लिखा है दोस्तों ऊपर वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एंड आपको चले जाना कलर फिल पे। कलर फिल से जाने के बाद दोस्तों आपको स्टार पे चले जाना। जाने के बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन को जो है फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। करने के बाद दोस्तों आप जो साइज का जो फोटो एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों, आपको कोई फोटो लेकर दोस्तों प्लस पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो है इमेज लिखा है उसमें फोटो नहीं एड करेंगे फिर दोस्तों इस पर भी फिर भी चल जाएगा दोस्तों। समय से बैक आ जाना दोस्तों, आपको दूसरे फोटो पर क्लिक करना है दोस्तों। एडिटर ग्रुप पर जाकर इमेज पर जाकर दोस्तों कलर फिल जाकर स्टार पर जाकर दोस्तों एंड आपको दूसरा फोटो ले लेना होगा। लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो है नहीं करेंगे दोस्तों, फिर भी आपका जो हो जाएगा उसमें आपको जो इसका जो साइज छोटा हो जाएगा दोस्तों, उसमें आपको तिर पे क्लिक करके दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। आपको साइज को इस तरह से कर लेना होगा, तो आपको जो आई जिसमें जो सेट हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों उसमें से मैं आपको लास्ट में यूज करके दिखा देता हूँ दोस्तों। उसमें से इस पर क्लिक कर देना इमेज पे, आपको एडिटर ग्रुप पर जाकर स्ट्री पर जाकर दोस्तों कंट पर जाकर स्टार पर जाकर दो कोई भी फोटो लेकर प्लस पे क्लिक कर देना होगा। करने के बाद बैक आकर दोस्तों ना आपको स्क्रॉल करके आगे आकर दोस्तों यहाँ इस तरह से आपको तो दोस्तों आपका स्टोरेज काफ़ी शांत तरीके दोस्तों एंड से जो कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इस स्टोरेज को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अपने गैलरी में जो सेव करना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको सेटिंग के बगल में आपको जो ए वाला एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 5 से 6 मिनट लगेगा आपको स्टोरेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।